हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है आपको, इन स्टेटमेंट को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन निकालना है, ठीक है। यहाँ दिया है, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स दी सेरिब्रम हॉरिजॉन्टली इनटू टू हेल्व्स व्हिच आर टर्म्ड एज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? ये कह रहे हैं कि ई एक डीप क्लेफ्ट डिवाइड करता है सेरिब्रम को हॉरिजॉन्टली टू हेल्व्स में, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो इनकरेक्ट है। कैसे डिवाइड किया जाता है? लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, यहाँ पर टू हेमिस्फेयर्स दिखा देते हैं, सल्साई एंड गायराई मिलते हैं, रफ बना रहे हैं ये डायग्राम। ओके, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, बट ये पूरी तरीके से अलग अलग नहीं है। डिवाइड जरूर हो रहे हैं पर पूरी तरीके से अलग नहीं है। एक स्ट्रक्चर है जो इन्हें कनेक्ट करती है, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, जिसको कह देते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, यहाँ ऐसे दिखा देते हैं, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर जिसको कह देते हैं कॉर्पस कैलोसम। ओके, कॉर्पस कैलोसम। अब देखिए, यहाँ इसमें भी आप क्या देखते हैं, साइड व्यू देख रहे हैं, कॉर्टेक्स रीजन मिलेगा। आउटर जो होता है, आउटर लेयर जो यहाँ पर है, उसको क्या कह देते हैं? कॉर्टेक्स। और ये इनर पार्ट है, अंदर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये इनर पार्ट हो जाता है, डॉटेड कर देते हैं, इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का। ठीक है, अब जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स में क्या देते हैं? ग्रे मैटर है और ग्रे अपियर होता है। ग्रे अपियर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज का नंबर ज्यादा है, यहाँ पर सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड है डी कॉर्टेक्स रीजन, जो कि इसको ग्रे अपियरेंस दे रहे हैं। और जब हम इनर पार्ट की बात करते हैं, यहाँ इनर पार्ट ऑफ दी सेरिब्रम और सेरिब्रल हेमिस्फेयर, तो यहाँ आप क्या देखते हैं? यहाँ आप देखते हैं फाइबर्स ऑफ ट्रैक कवर्ड विद माइलिन शीट। माइलिन शीट से कवर्ड फाइबर के ट्रैक्स हैं, फाइबर्स ऑफ ट्रैक विद कवर्ड विद माइलिन शीट, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, और क्योंकि माइलिन शीट प्रेजेंट है तो ये कैसे अपियर होते हैं? ओपेक व्हाइट अपियरेंस देते हैं, और इसीलिए बोल दिया जाता है व्हाइट अपियर हो रहे हैं और व्हाइट मैटर। कॉर्टेक्स में कैसा होता है? ग्रे मैटर। ठीक है, यहां ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या मिल रहा है? माइलिन शीट से कवर्ड आपको क्या मिल रहे हैं? फाइबर्स ऑफ ट्रैक आर कवर्ड विद माइलिन शीट। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक कवर्ड विद माइलिन शीट कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, गिविंग इट एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस, हेंस कॉल्ड व्हाइट मैटर। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। द मेडुला कंटेन्स सेंटर्स व्हिच कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। आप जानते हैं ना मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मिड ब्रेन में आप पढ़ते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, वो क्या कर रहा है? वो आप देखते हैं यहाँ पर मिड ब्रेन में नहीं पढ़ते मेडुला ऑब्लोंगेटा, आप कहाँ पढ़ते हैं? ये आप पढ़ते हैं हाइंड ब्रेन में। ठीक है, हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन में तो आप कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ना, एक कैनाल मिलती है जो पास करती है मिड ब्रेन से सेरिब्रल एक्विडक्ट। हाइंड ब्रेन में आपको मिलता है पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्युला, मेड्युला ऑब्लोंगेटा। और ये जो मेड्युला होता है, इसके पास सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आप पढ़ते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, वहां पर मेड्युला का फंक्शन देखते हैं कि कैसे मॉडरेट करता है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को, हार्ट के फंक्शन को। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इस सब का कंट्रोल किसके पास है? मेडुला। ये बिल्कुल करेक्ट है, और मेडुला किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का, ये भी याद रखना है, मिड ब्रेन का नहीं। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड स्मॉल रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बहुत माइनर सा है जो इसको इनकरेक्ट कर रहे हैं। स्मॉल रीजन नहीं मिलता है, लार्ज रीजन मिलता है। ठीक है, लार्ज रीजन मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, मोटर एरियाज हैं, सेंसरी एरियाज हैं, और लार्ज रीजन ऐसे हैं जो ना तो क्लियरली सेंसरी हैं ना क्लियरली मोटर है फंक्शन में, तो उनको कह देते हैं एसोसिएशन एरियाज, एसोसिएशन एरियाज। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमरी, कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट जो बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सेकंड एंड थर्ड, ओनली वन इज करेक्ट, ये गलत हो जाएगा।
ओनली वन एंड टू आर करेक्ट, तो वन इनकरेक्ट है. ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ये करेक्ट हो जाता है. थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, गलत है. करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 236 पर गिवन है. थैंक यू.